सर मिट्टी का फर्स्ट लुक आ चुका है और हर तरफ तारीफ हो रही है, तो इस मिट्टी से कितनी उम्मीद है? क्योंकि हर फिल्म का जब देख रहे हैं, जो भी आ रहा है टीवी पे, कमाल कर रहा है, ये मिट्टी क्या धमाल करने वाला है? सबने कमाल किया है, मिट्टी धमाल करेगी। बहुत प्यारी फिल्म बनी है मिट्टी। रिश्तों को लेकर के ही मैंने हमेशा वो किया है, भावनाओं को ही लेकर के मैं हमेशा से चला हूँ, चाहे वो बेटी का हो, बहन का हो, भाई का हो, माँ बाप के हो, हस्बैंड वाइफ का हो। तो भावनाओं से ओतप्रोत एक फिल्म का नाम है मिट्टी, जिसमें देशभक्ति तो है ही, परिवार के प्रति किस लेवल तक त्याग है वो भी है इसमें, एक भाई के प्रति क्या प्यार है वो भी है इसमें। मिट्टी फिल्म में आपको यश कुमार के साथ एक और बहुत ही अच्छे कलाकार नज़र आएंगे, पंकज सिन्हा। पंकज सिन्हा मेरे छोटे भाई के रोल में हैं और कहानी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है। अगर वो नहीं फंसे होते तो हम उनको निकालने नहीं गए होते, तो फिल्म तो वहीं खत्म हो जाती। तो पंकज सिन्हा बड़े अच्छे एक मेहनती कलाकार के रूप में आ रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ। और कुल मिला करके मिट्टी एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनी है। मिट्टी को जिस बिग कैनवास पर शूट किया उसका क्रेडिट जाता है निर्माता प्रेम जी को और अरविंद जी को, जिन्होंने देखिए यहाँ पे भोजपुरी के एक विडम्बना क्या है कि लोग आते हैं तो सोचते हैं कि कितने में बिकनी वाली है, कितने में बनाना है जी। पर कुछ निर्माता ऐसा आते हैं जो ये सोचते हैं कि फिल्म बनाना है, बिकना विकना तो बाद में देखेंगे, बिजनेस बाद में देखेंगे, पहले फिल्म बनाते हैं। तो वैसे ही ये दो निर्माता हैं, व्यवसायी हैं ये लोग, और सिनेमा के प्रति ऐसे निर्माता का जो एक जोश है वो बड़ा काबिल तारीफ है। तो इन लोगों के जोश को सलाम है कि ये लोग फिल्म बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि मिट्टी से बड़े कैनवास की फिल्म शूल बना रहे हैं, तो अच्छा है। ऐसे पैसे खर्च करने वाले निर्माता भी हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, जो सिनेमा को पैशन के रूप में लें, ना कि बिजनेस के रूप में। तो ये अच्छी चीज़ है मिट्टी। जो प्रोड्यूसर, उनसे जानना चाहूँगी कि मिट्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका स्टोरी राइटिंग क्रेडिट किसको देना चाहिए? अगर कॉन्सेप्ट बता देंगे तो फिर लोग देखेंगे कि कमाल, मतलब देशभक्ति है, लाइक मिट्टी से ही लगता है ना कि मिट्टी देशभक्ति भी है। मिट्टी परिवार के ऊपर एक एक्टर का त्याग है पूरी तरीके से। ये फिल्म मतलब भावनाओं से ओतप्रोत फिल्म है। ऐसा क्यों हो गया कि जब भी फिल्में त्याग की आती हैं यश कुमार को सब ढूंढते हैं? क्योंकि मैंने जीवन में उससे ज़्यादा त्याग किसी ने किया नहीं। सब लोग गाना गा गा करके हीरो बने हैं, मैंने त्याग करके मैं हीरो बना। क्या बात है। त्याग मैंने स्टार्टिंग से देखा हुआ है, और वो त्याग ही है जो यश कुमार को खड़ा किया हुआ है, वो अनुभव ही हैं जो खड़े किए हुए हैं। सर आप क्या कहना, मिट्टी के लिए क्या ऑडियंस कहना चाहेंगे? क्योंकि मिट्टी जो फिल्म हम लोगों ने बनाई उसमें कहीं ये नहीं, जैसे कि इन्होंने बोला कि खुल के पैसा लगाना, और हम लोगों ने बस ये सोचा कि अच्छे कलाकार के साथ जुड़ के एक अच्छी फिल्म बनानी है जिसको सब लोग देखें, यंग ब्रिगेड भी देखें, हमारे सीनियर सिटीजन भी देखें, महिलाएं भी देखें, और फैमिली एक साथ बैठ कर देखें, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म बनाई है, जिसमें कि सिर्फ एक फौजी ही नहीं है उसमें, उसमें एक किसान भी है, उसमें गांव भी है, उसमें हमारी धरती माँ भी है, मतलब हमारा हिंदुस्तान भी है। कुल मिलाकर के मिट्टी का एक मैसेज ये है कि मिट्टी फिल्म के लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सिपाही ही सिपाही नहीं है, आम ड्रेस में खड़ी एक महिला भी सिपाही हो सकती है देश की रक्षा के लिए, एक आम किसान भी सिपाही हो सकता है। और ये फिल्म इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बनी है, बहुत जल्द थिएटर में आने वाली है, इतने बड़े कैनवस की फिल्म है, तो मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थिएटर में आकर के जरूर। मैं भी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि टीवी पर तो आप लोगों ने सबसे बड़े स्टार के रूप में मुझे रेटिंग बैक टू बैक दी है, अच्छा आप लोगों का प्रतिक्रिया मिला है, थिएटर में भी ज़रूर आए, क्योंकि थिएटर रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही जैसे दे रहे हैं वैसे हमेशा देते रहेंगे।